लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही चुनावी रैली के दौरान रैली का विरोध जताने जा रहे सैकड़ों वकीलों का पुलिस ने बेगमपुर चौराहे पर रास्ता रोका। इस दौरान वकीलों और पुलिस में झड़प हो गई और जमकर हंगामा भी हुआ। वकीलों को कई बस में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से विजय वर्मा की रिपोर्ट। जहाँ प्रधानमंत्री की सभा हो रही है वहाँ जाने के लिए तैयार थे, अपना विज्ञापन देने के लिए कि हमें हाईकोर्ट बेंच की बहुत आवश्यकता है। लोगों को जो है यहाँ से हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, कई बार पैरवी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ सुलभ सस्ते न्याय जो न्याय गवर्नमेंट देना चाहती है, तो उसकी मांग थी हमारी जायज़। लेकिन हमें जो एस पी सिटी और मनमोहन सिंह जी ने बेगमपुर पर ही रोक लिया, कुछ को गिरफ्तार भी करवा दिया और बाकी को तितर बितर कर दिया, वहाँ पर जाने ही नहीं दिया धरने तक जो है। तो अपनी बात हम कैसे रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने, और वो हमारी बात को क्या सुनेंगे और कैसे समझेंगे जब असली मुद्दा ही उनके पास नहीं पहुँचेगा। मुद्दा है तो मुझे पीछे 50 साल से लगभग चला आ रहा है, लेकिन कोई सरकार सुनने रह रही, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, कोई गवर्नमेंट ने किस पर कोई सुनवाई नहीं की और ज़बरदस्ती है वकीलों को थ्रेटिंग करके इधर उधर तितर बितर कर दिया। हम लोग सीधा अब शांति प्रेम आर्था वहाँ जा रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें मतलब मिलने नहीं दिया। दरोगा सीओ साहब ने फिर भी कोशिश किया रहे, कुछ लोग हमारे उधर कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए।